केकेआर के खिलाफ मिली मुंबई इंडियंस को हार के बाद अब शायद हार्दिक पांड्या इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हार्दिक ने काफी शानदार पारी खेली थी मैच के दौरान, मात्र 34 गेंदों पर 91 रन। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक पांड्या अपने भाई कुणाल पांड्या और किरण पोलार्ड पे भड़कते हुए दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें हार्दिक पांड्या ने कहा कि जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो पॉली क्रीज पे थे, पॉली यानी कि किरण पोलार्ड, लेकिन पोलार्ड ने शायद काफी ज्यादा गेंदे उस मैच में खा ली। जी हाँ दोस्तों, पोलार्ड ने उस मैच में 21 गेंदों पर मात्र 20 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने आगे कहा कि कुणाल पांड्या ने भी दूसरे छोर पे बड़े शॉट नहीं खेले, मैं मैदान पे अकेला पड़ गया था और मैं अपने ही फ्लो में था, अगर सामने से मुझे साथ मिलता तो हम ये मैच जीत जाते। मैच के बाद रोहित शर्मा ने भी यही कहा था कि हार्दिक के साथ कोई एक अगर टिक जाता तो शायद मुकाबला मुंबई के नाम होता। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और कुणाल पांड्या को केकेआर के खिलाफ हार का जिम्मेदार बता बैठे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में केकेआर के खिलाफ अगर कुणाल और पोलार्ड थोड़ा तेज खेल लेते क्या ये मैच मुंबई इंडियंस जीत सकती थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो ताकि खेल से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।